अच्छा सुन, हीरोइन जो है वो बाथटब में स्विमिंग कर रही है, ठीक है, और उसके आजू बाजू कुछ बच्चे, उनके पापा, वो भी स्विमिंग कर रहे हैं। बुढ़िया बाथटब नहीं स्विमिंग पूल बोलते हैं, पागल कहीं। मैंने कुछ भी बोलो बस पानी होना चाहिए, क्योंकि एक बार मैं अपने बाल भिगा लेती हूँ ना, फिर मैं क्या लगती हूँ। आगे आगे बता, आगे बता। आगे क्या बताना है? आगे हीरो की एंट्री होती है। गच 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 गच। वो भी पानी में डाइव मारता। और पहली बार फिल्म में हीरोइन के पैर दिखेगा। ओहो, उसके बाद दी एंड। अरे अभी तो हीरो ने सिर्फ मेरे पैर देखे हैं, दी एंड भी हो गया। हाँ तो तेरी टांगे देखने के बाद जिंदा रहेगा, मर नहीं जाएगा वो। कैसी वाहियात स्टोरी लेके आए लोग। आप करेंगे इनको प्रोड्यूस कभी भी? ना सिरा ना पैर। अभी मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। मामला जमानी दादी करा। जमानी तो अभी जमा डालते, उसमें एक आइटम सॉन्ग डाल देते, हाँ उसमें एक बैली डांस भी होगा तुम्हारा। वाह वाह। नहीं, आप मेरे लिए बेली डांसिंग कीजिए, क्योंकि मुझे देखना है, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं देखूंगी आप में कितना टैलेंट है। ठीक है, अरे कोई हम दिखा देते हैं, मैं भी कर सकती हूँ बेली डांसिंग। बेली तेरी है कहाँ? तेरा तो बेल बॉटम है। ये साहब, ये आप म्यूजिक लगाइए, मैं आपको दिखा दूंगा बेली डांसिंग कैसे की जाती है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। ये फिल्म तो मैं प्रोड्यूस करूँगा। ऐसा लग रहा था जैसे आटे की बोरी में 100 चूहे घुस गए होते। बिल्कुल सही कहा आपने। देख पंखुड़ी, मेरा तेरे साथ कोई झगड़ा नहीं है। एक्चुअली तू ना मेरी बड़ी भैंस की तरह है, सच्ची कह रही हूँ। लेकिन जब तू ऐसे ऐसे कर रही थी ना, सच कह रही हो, ऐसे वाहियात एक्सप्रेशन दे रहे थे जो लानत के काबिल थे। चुड़ैल, तूने मुझे भैंस कहा। हाँ, डायरेक्शन का डी तो तुझे आता नहीं है, फालतू में मेरी बेइज्जती करा रही है। तेरी बेइज्जती? स्कूटर के साइलेंसर जैसी तेरी शक्ल है, उसके बावजूद तुझे मैंने अपनी फिल्म में रोल दिया। अगर मैं साइलेंसर हूँ तो तेरी शक्ल कार्बोरेटर जैसी है, वो भी वो जिसके अंदर कचरा भरा हो। अभी निकालू जरा सारा कचरा। तू मेरा कचरा उतारेगी? हाँ निकालूंगी। मेरा? हाँ तेरा। अरे लड़ो नहीं, फोन आया उधर, फोन आया बाकी। धर्मा प्रोडक्शन से फोन है, कोई डायरेक्टर चाहिए फ्रेश, तो कोई हीरोइन है नहीं इधर, तो कोई नहीं है। ऐसे के नहीं, हम है ना। चल जल्दी चल, इससे पहले वो लोग कतरीना कैफ को ले लें। अच्छा चल, आजा। चल, अरे हम आते हैं। एक बार रानी के लिए जोरदार तालियां। हमारे द सीनियर मोस्ट अंकल जी के लिए, श्याम दादा के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू श्याम सर, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। बंद करो ये गाना शाना। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वो तो सिर्फ गाना गा रहे थे, गुंडागर्दी हम कर रहे हैं दीदी। ओ सॉरी फॉर माय क्रिमिनल मिस्टेक। अबे जा बाहर निकलो, कहाँ से कूड़ा उठा के ले भागो यार। कूड़ा, अगर ये कूड़ा होता ना तो तेरी दादी कूद पड़ती है। ये देखो, इसे समोसा कहते हैं। अच्छा, तो इसे क्या कहते हैं? मेंदू बड़ा। इसे समोसा कहते हैं और इसको खाया जाता है। आज कितना खुश है ना, जिंदगी में पहली बार इतने करीब से समोसा देखा। और तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पे? रामू सुनो, इस आदमी के ऊपर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसने खरीदना तो है नहीं। जिसने खरीदना है उनसे बात करते हैं ना। हाँ। Are you ready for चूड़ी एंड बिंदी? Like समोसा? Yeah. आप आए हैं चूड़ी खरीदने, आप आए हैं चूड़ी खरीदने, और खरीदने ब्रांडेड सिंदूर, और खरीदने ब्रांडेड सिंदूर। जिनको लेना है पास आओ, बाकी हो जाओ 20 फीट दूर, बाकी हो जाओ 20 फीट दूर। ओ हुजूर, ले लो सिंधु ओ ये दाढ़ी वाले भाई साहब, भाई साहब क्या नहीं किया जरूरत है, बहन जी कौन सा दाढ़ी लगी होती है। चलो भाई साहब आप ये चूड़ी ले लो ना, थोड़ा कॉमन सेंस से काम लीजिए। भाई साहब हैं वो चूड़ी थोड़ी पहनेंगे, जेंट्स है वो। वैसे बिंदी ले लो, मुझे नहीं चाहिए। अरे दो चुटकी सिंदूर ले लो फिर। रमेश बाबू जी मेरा नाम रमेश बाबू नहीं है। ओ फिर तो आपको दो चुटकी सिंदूर की कीमत पता होगी, क्योंकि सिर्फ रमेश बाबू को दो चुटकी सिंदूर की कीमत पता नहीं है। समोसा ले लो, समोसा भाई साहब, समोसा ले लो ना। कैसे दिए समोसे? कैसे दिए? ये समोसा का अंडा नहीं, सुबह उठे और दे दिया। अरे मैं तो सिर्फ समोसे के दाम पूछ रहा था। हाँ ये पूछो कितने का? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का नहीं चाहिए। इधर आवे, क्या बेच रहा है? समोसा। इसमें क्या डायमंड लगे हुए हैं समोसे में? फायदा भी कौन है? कितनी गंदी स्मेल आ रही है मिट्टी के तेल की। ये मिट्टी के तेल की आ रही है तो स्मेल का भी नहीं पता चलता। ये मिट्टी का तेल नहीं है, अच्छा पेट्रोल है। वो असल में सिद्धू पाजी मेरे बड़े बिजनेस हैं दुबई में, मेरे तेल के कुएं भी हैं, मेरे बिजनेस आपस में मिक्स हो जाते हैं। कभी कभी समोसों में से पेट्रोल की स्मेल आती है और कभी कभी मेरा पेट्रोल चटपटा हो जाता है। हमारा तो सामान ही नहीं बिक रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा। हाँ दीदी और मुझे भूख भी लग रही है, मैं इनका समोसा खरीद लूँ। तुम्हारे पास पासपोर्ट है? और समोसे के लिए पासपोर्ट की क्या जरूरत है? देखो ये दुबई के हैं, तुम्हारे पास कम से कम दुबई का वीजा होना जरूरी है। तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारूंगी, शेंगन वीजा लग जाएगा तुम्हारे मुंह पे, समझाइए। वीजा होना जरूरी है, मतलब फिर मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम लोगों कोई और काम नहीं है? जब देखो हमारे घर में घुसाते हो। तुम्हारे घर में शो होता ना इसीलिए आते हैं, शो मेरे घर शिफ्ट कर दे, मैं नहीं आऊंगा। करो तुम्हारे घर में शिफ्ट तो कर दे, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। डिसाइड कर लो तीनों में से किसके घर शिफ्ट करना है। मेरे घर में, मेरे नहीं, मेरे घर में। किसके घर में करना पहले? अरे नहीं नहीं किसी महान शायर ने कहा है क्या कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाय 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 क्या बात है। और ये सही बात भी है बाजी, क्योंकि मजबूत हौसले और अटूट इरादों वाले लोग जिंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि फिर उनकी जिंदगी नहीं, उनकी जिंदगी पे बनने वाली फिल्में जो हैं वो भी एक मिसाल बन जाती हैं। सो आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए एक ऐसी ही एक्ट्रेस आ रही है जिन्होंने कुछ ऐसा ही काम कर दिखाया है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए The very beautiful, very talented and my secret girlfriend Priyanka Chopra का। जोरदार तालियां प्रियंका के लिए। प्रियंका आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आप जब भी आती है ना एक अलग एनर्जी लोगों में दिखती है। मेरी तो होती है, सिद्धू पाजी की तो और डबल हो जाती है। बिल्कुल सही है। पाजी आपको पता है प्रियंका जो है इनके बारे में ये बड़ा फेमस है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करती हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही डिफरेंट काम किया है। मैरी कॉम की लाइफ के ऊपर फिल्म करके जोरदार तालियां बनती हैं एक बार। महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रियंका चोपड़ा। वाह। देखो कोई जमाना होता था कि मर्दों के ऊपर फिल्में चलती थी, पर चाहे 7 खून कार के माफ करवा लिया अपने आप को और चाहे मैरी कॉम का नगाड़ा बना के इन्होंने ये कह दिया कि महिलाओं के नाम पे फिल्म चलती नहीं, दौड़ती है गुरु, दौड़ती है। मैं मिसेस सिद्धू से ये दरख्वास्त करता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि आप जितना शेर सिद्धू पाजी के सुनते हैं उसके बाद ये आई लव यू ये सब भी बोलते हैं, लेकिन वो हम काट देते हैं। ये खुद बोलते हैं कि ये चीजें काट देना, फिर जल भून के भुट्टा हो जाता, फिर मिसेस सिद्धू को घुसेड़ देता बीच में कटाक करके। जा तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, प्रियंका कुछ भी डिफरेंट करें एक काम ये बार बार करती हैं, वो है हमसे मिलना। ये पाजी ये अंदर से कनेक्शन जुड़े होते हैं ना कि प्रियंका इतनी ब्यूटीफुल है और मैं तो बोल्ड हूँ ही। सो लेट्स डू समथिंग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मैं एक नई चीज ट्राई करना चाहता हूँ, प्रियंका से शुरुआत करना चाहता हूँ बिकॉज आई लव हर सो मच। ओके आप लोग देख सकते हैं ये इट्स ए वाईफाई किस। ये वाईफाई किस थी क्या? वाईफाई किस है, इसे आप घर पे ट्राई ना करें, अपनी बीवी के साथ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वैसे बीवी के साथ ऐसा करना, उनके साथ तो आप बंटू बनी हो सकते हैं। एनीवेज प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। प्रियंका एक बात बताइए, वाईफाई कमाल कर दिया यार। अच्छा प्रियंका आपके इतने खूबसूरत हाथ हैं, ये फ्लाइंग किस देने के लिए हैं, तो अचानक से ग्लव्स पहन के मैरी कॉम की लाइफ के ऊपर फिल्म करने का इरादा कैसे आया आपके मन में? एक्चुअली ये उमंग कुमार जो हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनका आइडिया था। जब मैरी ओलंपिक बॉक्सर ओलंपिक मेडलिस्ट थी भी नहीं, उससे पहले ये फिल्म बनाना चाहते थे। आई थिंक अच्छा आप में से कितने लोग जानते हैं मैरी कॉम कौन है? अरे सारी दुनिया जानती है। आप में से क्या कितने लोग जानते हैं कि मैरी कॉम ओलंपिक मेडल जीतने से पहले एक 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है? ये बहुत कम लोगों को शायद आपको पता है, उनको उनको पता था। मतलब रॉकी भी नहीं था 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, सोचो आप। आपको पहले से पता था मैरी कॉम थी, तो अभी क्या पैसे चाहिए इस बात के?